एक और बड़ी खबर बताते हैं। कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने आज पूछताछ की। चार घंटे की इस पूछताछ के बाद भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह एनसीबी की अलग अलग टीमें भारती सिंह के तीन घर जो मुंबई में है अलग अलग लोकेशन पर वहां पर पहुंचे, रेड हुई। इसके बाद एनसीबी की टीम ने हिरासत में लिया भारती सिंह को। और इसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है भारती सिंह की। यानी आप अंदाजा लगाइए कि भारती सिंह के खिलाफ कितने बड़े सबूत होंगे एनसीबी के पास। एनसीबी ने कल रात जिस पेडलर को गिरफ्तार किया था उसने तमाम जानकारियां दी, उसने भारती सिंह का नाम लिया। और उसके बाद आज सुबह भारती सिंह के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची, वहां पर रेड हुई। ये बताया गया कि वहां भी ड्रग्स मिले थे। और अब सवाल यह है कि क्या भारती सिंह भी पेडलिंग में शामिल थी? क्या एनसीबी को इस तरीके के भी सुराग मिले हैं जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है कॉमेडियन भारती सिंह को? यानी आप अंदाजा लगाइए कि एनसीबी का बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूछताछ के बाद लगा एनसीबी को कि गिरफ्तारी होनी चाहिए भारती सिंह को। भारती सिंह को नहीं इस तरीके से छोड़ा जा सकता है। हिरासत में सबसे पहले एनसीबी ने लेकर के उनसे पूछताछ की थी और अब भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी आप ये समझिए कि इस तरीके से हर वो बॉलीवुड का चेहरा जो ड्रग कनेक्शन जिसका है उस पर एनसीबी का शिकंजा किस तरह कस रहा है, उसी की ये तस्वीर है। जो अब भारती सिंह पर जब एनसीबी का शिकंजा कसा तो उस शिकंजे से बाहर आना भारती सिंह के लिए कितना मुश्किल हो गया है, ये आप अंदाजा लगाइए। भारती सिंह क्या एक तरीके से कहे उन सवालों के जवाब जिनके जवाब एनसीबी तलाश रही थी, क्या उसके संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई भारती सिंह? जो गिरफ्तारी हो गई है भारती सिंह की, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भारती सिंह के घर पर भी आज एनसीबी ने रेड की थी, वहां से भी ड्रग्स मिले थे। पेडलर जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था उस पेडलर ने भी कई जानकारियां दी थी और उसके बाद ये कहा गया कि उसी ने भारती सिंह के बारे में जानकारी दी। अब भारती सिंह ने किसका नाम लिया है, भारती सिंह इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसका नाम लेते हुए अब उन लोगों को बताएंगे जिनके राज भारती सिंह जानती हैं, ये बहुत अहम होगा। यानी आप ये समझिए कि एनसीबी किस तरीके से एक्शन में है। एनसीबी जो लगातार इसके पहले भी बॉलीवुड के स्टार से पूछताछ कर चुकी है, एनसीबी के रडार में कई नाम सामने आ चुके हैं, रिया चक्रवर्ती से लेकर सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, रतुल, तमाम वो नाम है जिनसे एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है ये इस बात की ओर साफ तौर पर अंदेशा दिखाती है कि यहां सिर्फ और सिर्फ ड्रग कंजम्पशन का मामला नहीं है बल्कि इससे आगे बात है। भारती सिंह के केस में एनसीबी को क्या उस तरीके के सुराग मिले हैं जिसमें ड्रग सप्लाई की बात भी सामने आती है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कड़ाई के साथ पूछताछ की जाएगी। यानी कि आप ये समझिए कि एनसीबी ने अगर गिरफ्तारी की है तो इस बात को ये दर्शाता है कि भारती सिंह से आमने सामने बिठाकर भी क्या ड्रग पेडलर से पूछताछ की जाएगी अब, क्योंकि बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आज पूरे दिन एनसीबी ने पूछताछ की है। 12 बजे एनसीबी ने हिरासत में सबसे पहले लिया था भारती सिंह को उनके घर से और उसके बाद अपने साथ जोनल ऑफिस लेकर के गई थी वो भारती सिंह को, फिर वहां से लंबी पूछताछ की गई थी। और अब शाम होते होते तक ये बड़ी जानकारी आ गई है कि भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारती सिंह को इसके बाद कोर्ट